नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश दसमाना। आज है दीपों का पर्व, दीपोत्सव यानी कि दीपावली। दीपावली एक ऐसा त्यौहार जो हर घर में खुशियां लाता है, हर घर में रौनक लाता है, हर घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। आइए जानते हैं क्या है दीपावली का महत्व और क्या मान्यताएं जुड़ी हैं दीपोत्सव के साथ। दीपावली खुशियों का पर्व, दीपावली दीपों का पर्व। दीपावली आज पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश का पर्व दीपावली तमस को दूर करता है और हर किसी के जीवन में उजियारा लाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। पूरे देश में हर साल दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन दीपावली पर्व के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो मान्यताएं क्या हैं। श्री राम। जी हाँ, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन ही श्री राम जी वनवास से अयोध्या लौटे थे और उसी खुशी में अयोध्या जगमगा गई थी। दीपों का पर्व मनाया गया था। मंथरा की गलत विचारों से भ्रमित होकर भरत की माता कैकेयी ने श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के आदेशों को मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर निकल गए। यहीं उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत भी हासिल की, क्योंकि यहीं पर रावण का वध हुआ और उसके बाद वो युद्ध जीतकर अपने राज्य वापस लौटे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे राज्य के लोगों ने दीपक जलाए और खुशियां मनाई, इसीलिए उस वक्त से दीपावली मनाई जाती है। आइए आपको और बताते हैं और क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं दीपावली के पर्व के साथ। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। दीपावली मनाने का ये भी एक मुख्य कारण है पांडवों के वापस राज्य लौटने पर दीपोत्सव। हिंदू महाग्रंथ महाभारत के मुताबिक कौरवों ने शतरंज के खेल में शकुनी मामा की चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ जीत लिया था। इसके साथ ही पांडवों को राज्य छोड़कर 13 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष के वनवास से वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। एक और मान्यता दीपावली के दिन के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस दिन लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक पापी राजा था और ये अपने शक्ति के बल से देवताओं पर अत्याचार करता था और अधर्म करता था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। बुराई पर सत्य की जीत पर लोगों ने अगले दिन उल्लास के साथ दीपक जलाकर दीपोत्सव का त्योहार मनाया। दीपावली के पर्व से जुड़ी एक और मान्यता है जो सिख धर्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु जी को कैद से आजाद किया जाने लगा तो अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग करने लगे, जिसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसीलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ कि आपके जीवन में भी धन्य ध्यान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत टीवी को दीजिए इजाजत। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।